आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 16 जनवरी सोमवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवान। आइए नजर डालते हैं शहर की अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन मकान तोड़ने जैसी कार्रवाई कर बदमाशों में धमक कायम करने की भले ही कोशिश कर रहा हो, लेकिन कुछ बदमाश ऐसे हैं कि उनमें पुलिस का खौफ नहीं है। अशोकनगर क्षेत्र के एक बदमाश कालू कंजर ने सोमवार को सरेआम एक चाय की दुकान पर चाकू निकाल कर लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। कालू कंजर की करतूत देखने के लिए आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इसको बंद करवा देंगे। चालीस सेकंड के इस वीडियो में कालू कंजर हाथ से चाकू लहरा रहा है और वह दूसरे पक्ष को धमकाने की कोशिश भी कर रहा है। ये वीडियो सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे अशोकनगर चौराहे पर स्थित राम चाय सेंटर की है। यहाँ कालू कंजर पुराने विवाद में धमकाने पहुंचा और चाकू निकाल कर तमाशा करने लगा। इस दौरान उसने लोगों को चाकू चलाने की धमकी दी। हालांकि इस बीच सामने वाले पक्ष के एक व्यक्ति ने उसे जमकर एक लात जड़ दी, लेकिन कालू कंजर के सरेआम चाकू खोलने से अशोक नगर में दहशत फैल गई। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। उम्मीद की जाती है कि माधवनगर पुलिस वीडियो पर एक्शन लेगी और कालू कंजर को उचित जगह हवालात की सैर करवाएगी। सरेआम चाकू निकालने पर कालू कंजर के घर पर जेसीबी भी चलाई जाएगी। भारी यातायात दबाव के कारण 22 मार्ग टूट चुके हैं। इन सड़कों को वापस ठीक कराया जाएगा। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के उज्जैन संभाग में बने 3,069 मार्गों में से 22 भारी यातायात दबाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनको ठीक करने की प्रोसेस शुरू की गई है। इसमें मंदसौर जिले की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 8 दिल्ली मुंबई 8 लेन मार्ग एवं उज्जैन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 6 मार्ग शामिल है। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग देवास उज्जैन 4 लेन निर्माण होने के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी तरह उज्जैन संभाग के 36 मार्गों का संबंधित ठेकेदारों ने रख रखाव नहीं किया, इसलिए इनका अनुबंध खत्म किया जा रहा है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर इंदौर रोड उज्जैन, या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। खेलो इंडिया प्रतियोगिता के तहत फरवरी में उज्जैन शहर में योग एवं मलखम की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होगी। माधव सेवा न्यास एडविना में 1, 2 एवं 3 फरवरी को योग प्रतिस्पर्धा होगी। 6, 7, 8, 9 एवं 10 फरवरी को मलखम प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश के विभिन्न राज्यों के प्रतियोगी शामिल होंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने TL बैठक में प्रतियोगिताओं के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। अफसरों को प्रतिस्पर्धा के लिए फील्ड एरिया बनाए गए हैं और उन्हें समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। खेल अधिकारी OP हरोड़ 19 जनवरी को इस संबंध में माधव सेवा न्यास अथवा सरस्वती शिशु मंदिर ग्राउंड में बैठक लेंगे। प्रतियोगिताओं के प्रचार प्रसार के लिए नगर निगम को विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग एवं बैनर लगाने और जिला शिक्षा अधिकारी को 26 जनवरी की झांकी में खेलो इंडिया थीम पर झांकियां बनवाने व सांस्कृतिक कार्यक्रम की थीम रखने का आदेश दिया गया है। 40,000 किसानों ने अब तक अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया है। इन किसानों को PM सम्मान निधि नहीं मिलेगी।
कलेक्टर आशीष सिंह ने पीएम किसान योजना के हितग्राही किसानों से अपील की है कि वे अपने खातों को आधार से लिंक करवा लें। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अपने खाते आधार से लिंक नहीं कराए हैं, उनके खातों में किसान सम्मान निधि की राशि जमा नहीं होगी। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अभी भी जिले में 40,000 से अधिक किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं हुए हैं। और अब खबरें दे दनादन। लोकतंत्र का लोक उत्सव भारत पर्व 26 जनवरी की शाम को मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय पर शाम 6:30 बजे कालिदास संस्कृत अकादमी पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल हॉल में आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वर्णिम भारत मंच के सहयोग से जिला न्यायालय परिसर उज्जैन में जरूरतमंद पक्षकारों के लिए चलाई जा रही निःशुल्क भोजन सेवा ने 100 दिन पूरे कर लिए है। मंगलवार की दोपहर ठीक 2 बजे जिला न्यायालय में मेन गेट पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य आनंद संस्थान में नेशनल अवार्ड प्राप्त और आदर्श ग्राम पंचायत रेंडिया में आनंद उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।